हाथ मत लगाना मुझे अंगद सिंह ब्राड। तुमने मेरी सारी बातें सुनने के बाद घर छोड़ने का फैसला किया? मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात जानने के बाद, उन्हें समझने के बजाय, मुझे एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे छोड़ के जाने का फैसला कर रही हो तुम? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? क्या हो गया तुम्हें साहिबा? वो मेरे दिल के जज्बात थे, मेरी रूह की आवाज थी। मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के बजाय तुमने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया? तुम्हारी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तुम मेरी फीलिंग्स को ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? साहिबा की बातों से लग रहा है कि इसने वो सब सुन लिया जो अंगद ने मुझे साहिबा समझ के बोला, पर अब इसे लग रहा है कि अंगद ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है। और अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी तो हम उस बारे में अकेले में बात कर सकते थे, ऐसे सबके सामने ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो मतलब मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हारी तरह बात छुपाऊं, उन्हें ये दिखाऊं कि हमारे बीच सब ठीक है, पूरी दुनिया के सामने ढोंग करती रहूं एक आदर्श जोड़ी बनके रहने का? तो तुम्हारे हिसाब से अपने दिल के जज्बात जाहिर करना गलत है? तुम्हारे हिसाब से जो तुमने किया वो सही है? अगर ऐसा है तो फिर तो आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब मुझे चलना चाहिए। ये क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो चल रहा था दोनों के बीच, अचानक किसकी नजर लग गई इनके रिश्ते को? ये साहिबा सीरत को ऐसे क्यों घूर रही है? इनके बीच जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता। साहिबा का ना शुरू से ही ऐसे ही, जो इसका मन करता है वही करती है, पर ना ये किसी को कुछ बताती है और ना ही किसी से कुछ पूछती है। पुत्र, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव, खिटपिट, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू रिश्ता ही तोड़ दे और घर से चली जाए। मैं जानती हूँ कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते, लेकिन हर रिश्ते दो लोगों से बनते। उस रिश्ते में से कोई एक वो रिश्ता अपने हिसाब से चलाने लगे, दूसरे के जज्बात उसके लिए मायने ही ना रखते, तो रिश्ता बेमानी सा हो जाता है।